डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत की खबर आई है। हाईकोर्ट से पंचकुला के हिंसा मामले में 8 डेरा श्रद्धालुओं को जमानत मिल गई, जबकि 7 अन्य की जमानत पर 23 जनवरी को सुनवाई होगी। ये सभी डेरा प्रेमी अंबाला व हरियाणा की अन्य जेलों में बंद हैं। आपको बताते चले कि 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में हुई हिंसा दौरान FIR नंबर 345 में कई डेरा श्रद्धालुओं पर देशद्रोह सहित संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद लगभग सभी डेरा श्रद्धालुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से कई डेरा श्रद्धालुओं ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस दया चौधरी ने 7 लोगों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इनमें उमेद, विक्रम, दलबीर, हरिकेश, पूर्णचंद और करम सिंह, विजय और ओमपाल शामिल है, जबकि इनके अलावा 7 अन्य पवन कुमार, राकेश कुमार, चमकौर सिंह, दान सिंह, दिलावर, सुरेंद्र धीमान व गुरलीन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 23 जनवरी को होगी।